हेलो, माई सेल्फ मिसिस किंजल पंचाल। आई एम अ टीचर इन जेम्स इंटरनेशनल स्कूल, स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 6, सब्जेक्ट इंग्लिश। स्टूडेंट्स, ओपन योर टेक्स्ट बुक, यूनिट 1, द वर्ड ऑफ कलर्स। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्टिविटी 8। ओके, एक्टिविटी 7 तक हो चुका है, ओके, हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्टिविटी 8। एक्टिविटी 8, इट इज़ वेरी इजी टू नेम द कलर्स इन द पोएम पेंट्स, बट सम अदर कलर्स आर नॉट सो इजी टू नेम। फॉर एग्जाम्पल, द मेकर्स ऑफ क्रेयोला क्रेयॉन्स यूज मैनी शेड्स ऑफ ब्राउन। ओके, लुक एट सम ऑफ द नेम्स फॉर देयर ब्राउन क्रेयॉन्स। ओके, अब देखो, कोई कलर तो है, जैसे कोई भी कलर यहाँ लिखा है, इजी है नाम देना कोई भी पोएम में कोई पेंट का नाम, पर एक मेकर से क्रेयोला क्रेयॉन्स का, क्रेयॉन में चॉक कलर होते हैं जो, उसके कलर, उसमें कैसा यूज मैनी शेड्स ऑफ ब्राउन। ब्राउन कलर तो उन्होंने बनाया, लेकिन उसके भी बहुत सारे शेड, जैसे लाइट ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन होता है, मीडियम ब्राउन होता है, फिर शेडेड ब्राउन, ऐसे अलग अलग ब्राउन के बहुत सारे शेड बनाए। ओके, अब यहाँ ब्राउन कलर की क्रेयन से जो बनाया, देखो चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है, डर्ट वो भी ब्राउन कलर का होता है, बीवर वो एक एनिमल है जिसकी स्किन पर जो रुआटी बोलते हैं ना हम लोग, हेयर वो होता है। ओके, कॉपर ब्राउन कलर का होता है, लेकिन उसका देखो कलर सब ब्राउन कलर का है, लेकिन उसका शेड सबका अलग अलग होता है। चेस्टनट, रॉ अम्बर एंड बर्नट अम्बर। ओके, ये अम्बर मतलब मिट्टी होता है, okay? तो ये सब ब्राउन कलर का है, लेकिन सबके शेड अलग अलग है। All of these names are things that have the brown color of the crayons. Okay? ये सारे name हैं things के, वो सब के जो color है वो brown color के हैं। A beaver is a brown animal that lives near water and it's known for building dams from trees that is it cuts down with its teeth. Beaver करके एक animal से beavers का से उसके skin पर ज़्यादातर बाल होते हैं और वो के पानी के नज़दीक ही रहता है, पानी के नज़दीक brown color का animal है, ये रहा brown color का, एक्चुअली यहाँ पर छोटा ये रहा। ओके, बीवर ये रहा, आपको दिखे, ध्यान से देखना पड़ेगा उस, ओके, उसका काम क्या है, वो पानी के नज़दीक रहता है और क्या करता है पता है, जो ट्रीस होता है ना उसको खाता है, बस खुदा है, जैसे वो वुड पिकर नहीं होता उसी तरह का ये बीवर है। वुड पिकर बर्ड्स है और बीवर एक एनिमल है ब्राउन कलर का, जो लकड़ी को काटता है अपने दांतों से। अम्बर इज अ काइंड ऑफ क्ले, अम्बर एक तरीके की क्ले मतलब मिट्टी ही है। ओके, हाउ डू यू थिंक रो अम्बर एंड बर्नट अम्बर माइट बी डिफरेंट। अब यहाँ ये है कि अम्बर एक है मिट्टी, ये क्ले है, तो आप लोग कैसे सोचोगे कि रो अम्बर और बर्नट अम्बर होता है, बर्नट मतलब मिट्टी को जो सेकते हैं ना, बर्नट करते हैं, जलाते हैं, वो दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, तो ये तो आपको एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। ओके, सम कलर नेम्स आर नॉट थिंग्स, सम कलर्स नेम्स आर नॉट थिंग्स, हाउ डू यू थिंक रेजल डेजल रोज पर्पल पिज्जास एंड स्क्रीमिन ग्रीन वर नेम, ये आपके कुछ काम का है नहीं। नाउ एक्टिविटी 9। ओके, इन दिस लैंग्वेज टास्क
You will create your own name for a few new color and you will talk to your classmates about their created names. Okay? In this language class, ये सारे जो task होता है language का task, उसमें आपको क्या करना है, तुम अपने अपने नाम create कर सकते हो. Okay? Colors के और अपने जो क्लास के मैट्स होते हैं क्लास के साथीदार उन सब से बात कर सकते हो. ओके, सम स्टूडेंट्स में नेम देयर कलर विद अ थिंग. ओके, कोई कोई स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे होते हैं जो कलर्स का नाम है अपनी चीज़ों के हिसाब से रखते हैं. ओके, सम स्टूडेंट में नेम इट सम अदर वे. डू द टास्क टू फाइंड आउट विद हैपन. ओके, मिक्स द कलर्स बिलो देन क्रिएट योर ओन नेम्स फॉर देम. अब यहाँ जो कलर है उसको मिक्स करो, उसके बाद जो कलर बनता है वो देखो. मिक्स ग्रीन एंड ब्लू. मिक्स ग्रीन, ग्रीन कलर के भी अभी आपको पता होगा ग्रीन कलर के भी जब चौक कलर लेके आते हैं तो हम लोग ग्रीन कलर के दो शेड होते हैं, एक वो बोलते हैं गहरा हरा और एक पैरोट कलर होता है, दोनों का शेड जो होता है मिक्स ग्रीन जिसको बोलते हैं. दो तीन मिक्स कलर ग्रीन होता है लेकिन ग्रीन के भी अलग अलग शेड होते हैं, वो मिक्स करने का और साथ में कौन सा कलर, ब्लू, ब्लू कलर मिक्स करने का. तो क्या कौन सा कलर बन सकते हैं, टर्कवाइस. ओके, तो ये क्या है अपने ये कलर से क्या होता है, पीकॉक कलर. टू मिक्स ऑरेंज एंड पर्पल. ऑरेंज और पर्पल कलर होता है तो उससे क्या बनता है, तो मडी ब्राउन, मडी ब्राउन कलर बनता है. ओके, मडी ब्राउन मतलब ये जो मिट्टी और पानी का जो घोल बनाते हैं ना हम लोग, किचड़ जिसको बोलते हैं, दो कलर का होता है. ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, मड, अपने हिसाब से दे सकते. मिक्स रेड एंड ब्लू एंड येलो, ये तीन कलर है यहाँ पर. ओके, तो कौन सा कलर बनेगा, ब्रिक ब्राउन. ब्रिक ब्राउन मतलब जो हमारी ईंटें नहीं होती घर बनाने की, वो ब्राउन कलर की होती है और उसका कलर भी अलग होता है, तो ब्रिक ब्राउन कलर के, तो उसको हम कौन सा नाम देंगे, ब्रिक. ओके, तो आपको ये नाउ टॉक टू योर क्लासमेट्स टू फाइंड आउट व्हाट योर क्लासमेट्स नेम देयर कलर्स, कौन कौन सा कलर देते. ओके, तो माय आई नेम्स टिल, तो अजाटे, जैड, डबलिंग डक. ओके, ये नाम देते हैं. सैंड मिट्टी, मिट्टी को कौन कौन सा नाम देते हैं, देखो सॉइल, क्ले, सेना, फिर ये रहा मौत, तो फोर्ट, रस्ट, फॉलिस. ओके, ये है ऑफ ऑल द न्यू मिक्स्ड कलर्स एंड न्यू नेम्स इन योर क्लासरूम, विच कलर एंड नेम डू यू लाइक बेस्ट. हमने जो यहाँ नाम दिया ना आगे वाले में कलर का, उसमें ये वाला फर्स्ट वाला मुझे अच्छा लगा, तो आई लाइक टर्कवाइस, आई टर्कवाइस कलर एंड द नेम पीकॉक बेस्ट. ओके, पीकॉक नाम बेस्ट है. एक्टिविटी 10, रीड द एग्जाम्पल सेंटेंसेस दैट यूज द idioms. Once in a blue moon. Once in a blue moon मतलब I only eat sweets once in a blue moon. Once in a blue moon एक idioms है जिसका use यहाँ किया गया है, तो उसका meaning होता है occurring extremely rarely. Okay? यानी rarely मतलब कभी कभी. Okay? वंस इन अ ब्लू मून मतलब कभी कभी, जिसको हिंदी में. ओके, तो आई ओनली ईट स्वीट्स. ओके, आई रियली ट्राई टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, यानी मैं स्वीट्स जो होता है कभी कभी खाता हूँ. मैं तो रियली मैं अपनी जो माई अपने आप को है ना, अपने आप की देखभाल करने में ट्राई करता हूँ. The only part of the work I didn't like was once in a blue moon we had have to stay all night doing paperwork. Okay? Once in a blue moon you might get lucky, but the best way to get what you want is to work hard. Okay?
ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका आज का ये वीडियो टेक्स्ट बुक में यूनिट 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्कबुक फिल करवाऊंगी। ओके, आपको हार्ड वर्ड्स कीवर्ड्स मैंने लिखवा दिए हैं। ओके, हार्ड वर्ड्स कीवर्ड्स थे वो लिखवा दिए हैं, आपको ये सब में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है एक्सरसाइज। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट होता है, यूनिट 1। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्कबुक फिल करवाऊंगी।